की अदालत में सैंडविच के दिग्गज कलाकारों का यह दिग्गज कलाकार स्वागत करता है। अरे मिलोर्ड, हम आपको कलाकार नहीं मानते, आप अपने आप को दिग्गज कलाकार कह रहे हैं। अपने इस भ्रम की दुनिया से जरा बाहर निकल लिया, वरना कहीं सोने की दुनिया से बाहर ना निकल जाए। ओए अंडे मान निकोबार के अंडे, मैं जज हूं इधर, तुम्हारी जेठानी नहीं हूं। मजाक करना तो अपनी साली के साथ करो। ओए बिना रुई के एक गद्दे, मैं यहाँ पे अर्दली बनी हूँ, मजाक करना अपने घर पे जाके करो, अभी मैं ऑन ड्यूटी हूँ। ए सीरा पूंजी से भी छोटी पूंजी आई पड़ी, तू कोई रामचंद्र मलानी नहीं है जो अपने जीजा का मजाक ना सुन सके। आई पड़ी, ओए डेढ़ हफ्ता लगातार पैदा हुई भाभी। आज की कार्रवाई शुरू करो। दिव्या जी, आप मेरा साथ देना। बिल्कुल। एक बात बताऊं, ऐसा तोता तो जोशियों ने भी नहीं रखा होता जैसा हमने जज रखा हुआ है। आए बड़े, और क्या नहीं तो ऐसा लगता झाग लगा के आए, अभी सर से शेव करेंगे। चलिए आप लोग मेरा साथ देना। हाँ। आहाना और तुम रोज नहाना। या, तुम वकील बनी हो, दलेर मेहंदी नहीं बनी हो। कार्रवाई पे ध्यान देते हैं, शुरू करते हैं। शुरू कीजिए। तो मिलो। हाँ जी। ये कैसे कानून को स्कूटर दिए हुए? देखो, कमाल हो गया। अभी मैंने सैंडविच ऑर्डर किया, तो आ भी गए। वाह! जोरदार तालियां भी इनके लिए। लेट फैन। ओ शमशेर जी, ये वो वाले सैंडविच नहीं है, सैंडविच इनकी सीरीज आ रही है। अच्छा, सैंडविच फॉरएवर। अच्छा, इनकी सीरीज आ रही है। हां जी। और तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही है? तो देखो, उन्होंने 15 एपिसोड किए, लोग उनको इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। अच्छा। इसने हजारों कर लिए, इसको कोई बर्थडे पे भी नहीं बुलाता। और सुनो मेरी बात, वो जिस बुढ़िया के बाल तुम लेके आए हो बाहर, रो रही हो। ओए तू ढोल ताशे बजाने लगी है? ये देख लो, ये सोनी के जज और अर्दली देख लो ये। ओए तुम दोनों भी अपनी सूंड में पानी भर के फेंका करो। प्रॉपर इसको अदालत को चिड़ियाघर क्यों नहीं बना देते? एक मिनट शमशेर जी, मैंने ना आपसे एक सवाल पूछना है। हाँ जी। चिड़िया जो घर होता है ना, हाँ। उसमें बहुत तरह के जानवर होते हैं, लेकिन हाँ। उसको चिड़ियाघर क्यों कहा जाता है? ये तुम्हारा फैमिली मैटर, मेरे को नहीं पता। देखो मैं, ओए ओए जाकिर साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। एक बात का मुझे बड़ी नाराजगी आपसे, आप तबले क्यों नहीं लेके आए? शमशेर जी, ये वो वाले जाकिर नहीं है। वो वाले नहीं है तो हारमोनियम ले आते। म्यूजिशियन ही नहीं है, हारमोनियम क्यों लाएंगे? वो म्यूजिशियन नहीं तो हारमोनियम लाए। तुम अपने दोनों नगाड़े लेके हर बार यहाँ पे क्यों आ जाते हो? तुम कौन सा कंसर्ट करने आते हो इधर? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मेरे दो सैंडविच वेज। मैं शमशेर जी इधर सैंडविच लेकर नहीं बैठा हूँ। जज साहब, वो तो सैंडविच लेके बैठे ना, उनसे लेके मेरे को दे दो। मैं देखा आना, मैं बीच बीच में कभी ऐसे हंसी मजाक कर लेता हूँ। तो आना, कभी टाइम निकाल के मेरे घर आना, और कभी मेरे साथ घूमने गोवा जाना, और मम्मी डैडी को मनाना, और अगर नहीं माने फिर मेरे को बताना। ये मेरी शायरी भी बीच बीच में करता हूँ। और आजकल ठंड बहुत है, गर्म पानी से ना आहाना। नहाना। नहाना। ये तो बहुत ही प्रेडिक्टेबल हो गया ना, आहाना नहाना। लानत है आप पे थोड़ी सी। यार ऐसा एक मिनट, ऐसा काम ना हमसे कराओ यार, हम चैंपियन है। मतलब हम और हाना एक गुमराह में बंद हो और चाबी खो जाए। देखो हम तो ऐसे, हमारे बाएं हाथ का खेल है यार ये। अच्छा, बाएं हाथ का? तुम्हारे बाएं हाथ पे मैंने अपना दायां हाथ जोर से मारना, फिर जो तुम अपने बाएं हाथ से करते हो ना, फिर वो दायां हाथ से करना पड़ेगा। अरे दाएं बाएं बाएं दाएं बाएं दाएं करके हमारे दिमाग का दाएं मत करो। हा? और वैसे भी हम पे जरा सी दया करो, हमें आगे की कहानी बयां करने दो। तो आना कुमरा जी, आपसे एक दरख्वास्त है कि आप क्रिकेट में ज्यादा ना इंटरेस्ट मत लिया कीजिए,
वरना आप आना कुमरा से आना बुमरा हो जाएंगे। ये फनी था, ये बड़ा फनी लगा तुझे, ऐसे चुटकुले सुन सुन के अपनी इंडियन क्रिकेट टीम 36 पे आउट हो गई। नहीं लेकिन इसी बहाने इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ 36 का आंकड़ा तो हुआ। ये था फनी, हंस इस पे, हंस। यार मेरी बात सुनो, तुम ना ब्रैकेट में साथ में लिखा करो भी किस पे हंसना है किस पे नहीं हंसना है, मेरे को डंडे मरवा रहे हो। तुम इधर क्या बन के खड़ी हुई? अरे तो क्या बोलूं मैं? इतनी जवान खूबसूरत हो बाहर जाके भीख मांगो? देख तो मैं क्या बनूं, तुम्हारी बनने की उम्र गई अब। हाँ वो जो धार्मिक मैसेज नहीं आते कि 11 लोगों को फॉरवर्ड करो तुम्हारा भला होगा, तुम किया करो क्या तुम्हारा हो जाए। और मैं इधर 250 रुपया पर डे रेंट पे ये विग डालकर बैठा हुआ हूँ, मेरी कोई सुन नहीं रहा, और जज बनाओ मैं, ये बाल मैंने धूप में सफेद किए। ये होते कच्चे आर्टिस्ट, विग के साथ माइक भी उतार दिया। हेलो 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 सोनी साहब, ये देख लो मैं पक्का आर्टिस्ट हूँ। जब से अच्छा तुम विगी बन जाते आज के लिए ज्यादा कमाई हो जाती तुम्हारी 250 रुपए। मैंने कहा भी था इसको पंच मत दो, ये करेगी खराब। शमशेर जी, ये अदालत है, वकील साहब कार्रवाई शुरू कीजिए। ये जो तो पहनी है ना तूने पकड़ी, इसी के नीचे आके मरेगी तू देखना। इतना सा मुंह है, इतनी बड़ी इसको वो दे दी ऊपर। हम कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। हाँ जी करने दो। तो देखिए मैं लॉर्ड, तुम पहले भी इधर कार्रवाई कर गए थे, उधर ही हो गए, करना मैं तुम्हें कह रहा हूँ। लॉर्ड हमारा आरोप है कि यहाँ पर जो आहना जी हैं, कुणाल जी है, ये हनीमून मनाना चाह रहे हैं, लेकिन अपने माता पिता की वजह से ये हनीमून ना मना पा सक रहे। हाँ तो क्या हो गया, घर वालों के भी तो कुछ औलाद को लेके कुछ सपने होते हैं ना जी। अरे लेकिन शादी के बाद औलाद के भी कुछ वो वाले सपने होते हैं। बड़े नोटी हो तुम, बहुत नोटी तुम, बहुत ज्यादा नोटी हो। अब वो वाले सपने कौन पूरा करेगा बताओ, है कि नहीं? कसम खाओ क्या मैंने आपके कभी वो वाले सपने पूरे नहीं किए? अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं तितली, तुम तो मेरी बात वैसे भी नहीं करते। अगर मैं तुम्हें नहीं पसंद ना, सच्ची कह दो मैं चली जाती हूँ तुम्हारी लाइफ से, या तुम यहाँ से दफा हो जाओ। ए तितली, हम तुम्हें भूल जाएं ऐसा हो नहीं सकता, और तुम हमें भूल जाओ ऐसा हम होने नहीं देंगे। हेलो 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 हेलो, दो ट्रक आपस में भिड़ गए। बहुत ज्यादा पले हुए आदमी, क्या आरोप था तुम्हारा? तो जज साहब मिलॉट हमारा आरोप है कि आहना और कुणाल यहाँ पे हनीमून मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके माँ बाप इनके घर में आ जाते हैं, और एक जोड़ी माँ बाप नहीं, दो दो जोड़ी माँ बाप, अच्छे खासे हनीमून का सैंडविच बन जाता है। और ये आरोप साबित करने के लिए हमारे पास गवाह भी है। क्या है गवाह? हम उसे बुलाना चाहेंगे। कैसे आप लोग? बहुत बढ़िया। वो सब ओरिजिनल है, तुम बताओ ओवर डुप्लीकेट औरत। एक मिनट, तुम कहाँ से आ गई? हमने गवाह को बुलाया था, गवाह कहाँ है हमारा? गवाह की मैंने पीछे गवाही सुनी थी, मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आया। हाँ तो मैंने उसको तेल लगा कर ना धूप में सुखाने को छोड़ दिए लाए। हाय सैंडविच कैसे है? ये जो आपकी फिल्म है ये फैमिली मैटर के ऊपर है ना? बिल्कुल। तो मेरे को एक चीज जानने का था, जो सीरीज है सैंडविच, ये सास ससुर के साथ देखने का है कि सौ ससुर के साथ देखने का है? बहुत मजा आया मेरे को। क्या बात है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है अतुल जी, क्या मस्त आर्टिस्ट है, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। अतुल जी मैं आपको एक सलाह दूं क्या? जी। जब भी कोई बच्चे बिच्चे आपसे मिलने के लिए आते हैं ना, उनको ना डांटना फटकारना, उनसे कभी प्यार मत करना सर। क्यों? पता क्यों? क्योंकि अगर बच्चों को देख के इनके अंदर की ममता जाग गई तो ये अतुल कुलकर्णी से ममता कुलकर्णी हो जाएंगे ना। हाय जाकिर जी। हेलो हेलो। अरे यार बचपन से मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बचपन? हाँ। आप तबला नहीं लाए साथ में अपना? यार ये वो वाले जाकिर हुसैन नहीं है, और हारमोनियम भी नहीं लाए। तो डफली ले आते। अरे यार
म्यूजिशियन ही नहीं है तो ढफले क्यों लाएंगे? हाँ तो ये भी तो म्यूजिशियन नहीं है, अपना इंस्ट्रूमेंट लाते ना ये लोग। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।